गुड मॉर्निंग। आज का हमारा रिवीजन सेशन है जिसमें पैसा बटेगा, डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन कि शेयर होल्डर्स को पैसा बांटना है कि नहीं बांटना, ये डिसीजन हम लेंगे। मतलब पूरी पावर हमारे पास होगी कि शेयर होल्डर को करोड़ों रुपए बांटने हैं या नहीं बांटने, ये डिसीजन लेना आप सीखोगे। रिवीजन में हमने अब तक करीब करीब आधा सिलेबस कवर कर लिया है अब तक। मे बी कि आप ये लेक्चर कब देख रहे हो ये इंपॉर्टेंट राइट, हो सकता है कि आपने पूरा सिलेबस देख लिया और उसके बाद आखिरी में डिविडेंड पॉलिसी देख रहे हो, ये पॉसिबल है। अगर आप सिक्वेंशियली देख रहे हो तो अब तक आधा कोर्स हमारा हो गया है राइट। और आज इस टॉपिक के बैकग्राउंड में पहले हम समझ लेते हैं कि क्या आखिर सीखने के हवाले हैं इस टॉपिक को पढ़ने के बाद, और उसके बाद हम थोड़ा सा आगे मूव करेंगे इस टॉपिक के फॉर्मूला और कंसेप्ट की तरफ। देखो, एक कंपनी है, कंपनी अगर कुछ कमा रही है तो वो कमाई है किसकी? वो कमाई कंपनी की खुद की है। अब कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है राइट, उसकी खुद की तो हो नहीं सकती, कहीं ना कहीं वो कमाई किसी की तो है, और वो किसकी है? मालिकों की। और मालिक कौन है? शेयर होल्डर्स राइट। तो वो कमाई पे हक किसका है? शेयर होल्डर्स का। लेकिन ऐसी व्यवस्था जमाई गई है राइट कि ऐसा नहीं कि शेयर होल्डर जब चाहे तब जाके वहां से कंपनी के अकाउंट से पैसा निकलवा ले राइट। अब एक बड़ी कंपनी है तो उसके करोड़ों शेयर होल्डर्स होंगे, तो उनको राइट नहीं है कि वो किसी बैंक अकाउंट में जाके अपने हिस्से का बोले मेरे हिस्से का पैसा मुझे दे दो, बिल्कुल नहीं। तो ऐसी व्यवस्था जमाई गई है कि शेयर होल्डर्स को पैसा बांटना है या नहीं बांटना है, ये राइट रिजर्व कर दिया टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये डिसाइड करे कि शेयर होल्डर्स को बांटना है कि नहीं बांटना है। एक बार वो ये डिसाइड कर लेंगे कि शेयर होल्डर्स को बांटना है राइट, तो फिर वो शेयर होल्डर्स की अप्रूवल के लिए मीटिंग्स बुलाएंगे और मीटिंग में अप्रूवल लेंगे। ठीक है, ये लॉ के प्रोविजंस हो गए अपनी जगह, लीगल प्रोविजंस हैं अपनी जगह। लेकिन हम यहाँ पे एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आज काम करेंगे राइट, एज अ शेयर होल्डर्स काम नहीं करेंगे। एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी प्रोस्पेक्टिव से सोचेंगे कि हमें डिविडेंड शेयर होल्डर्स को बांटना है कि नहीं बांटना है। तो मान लो कि आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के फाइनेंशियल एडवाइजर हो, जिसको ये जिम्मेदारी सौंप दी गई है कि आप डिसाइड करके बताओ कि हमको तो समझ नहीं आ रहा राइट, हमको बिजनेस करना आता है, हमको ये फाइनेंस अनेंस नहीं आता, आप डिसाइड करके बताओ कि यार ये डिविडेंड इतना सारा इकट्ठा हो गया हमने कंपनी के पास अर्निंग, ये बांटे कि ना बांटे। तो आप बोलोगे साहब हमारे अभी आने वाले एक दो साल में एक प्रोजेक्ट आ रहा है जिसके लिए हम फंडिंग उठा ही रहे मार्केट से, तो अगर हमारा इंटरनल फंड ही होगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा राइट, मार्केट से उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी राइट। तो उसको रोक के रखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आपका सजेशन ठीक लग सकता है। या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये भी बोल सकते हैं चलो इसको शेयर होल्डर्स को बांटो, किसी सस्ते सोर्स से पैसा उठा लेंगे, गेटिंग माय पॉइंट। तो अल्टीमेट डिविडेंड बांटना है कि नहीं बांटना, इसके पीछे सोच क्या होगी, इसके पीछे बेस क्या होगा राइट, व्हाट इज द क्राइटेरिया बिहाइंड दिस कि हम डिविडेंड बांटे कि रोक दें। गॉट इट? थीम समझ आ गई कि हम इस टॉपिक में करने क्या वाले हैं राइट। हर टॉपिक का फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक ही टारगेट है, एवरी टॉपिक हैज वन टारगेट ओनली इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि कोई भी कंपनी अगर कोई भी डिसीजन ले रही होगी, चाहे किसी भी टाइप का हो, पैसा कहाँ से लाना है, पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, कोई भी डिसीजन हो, पैसा इन्वेस्ट करके कमाया तो उसको बांटना है कि नहीं बांटना है, कोई भी डिसीजन हो, उसके पीछे सोच केवल एक है, वो है शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज होनी चाहिए। रिपीट कर रहा हूँ अगेन, What is the target of every company? Maximization of wealth of shareholders. अब सवाल यह है कि wealth of shareholders मतलब, wealth of shareholder का मतलब होता है shareholder की wealth market price से decide होती है, कि उसके पास number of shares कितने, company के angle से वही wealth है उसके लिए, कि उसके पास जितने number of shares है obviously wealth उसकी उससे decide होगी। तो जैसे जैसे company के share की price बढ़ती हुई जाएगी shareholders की wealth बढ़ती हुई जाएगी, जैसे जैसे कंपनी की शेयर प्राइस गिरती हुई जाएगी शेयर होल्डर्स की वेल्थ गिरती हुई जाएगी। मतलब मार्केट प्राइस इज द क्राइटेरिया जहां से ये डिसाइड होता है कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ती है या गिरती है। मतलब हमारा टारगेट भी मार्केट प्राइस ही होगा, कि डिविडेंड बांटने से अगर मार्केट प्राइस बढ़ती है तो बांट दो, डिविडेंड रोकने से अगर मार्केट प्राइस बढ़ती है तो रोक दो। टारगेट डिविडेंड बांटना या रोकना नहीं है, टारगेट मार्केट प्राइस का इंक्रीमेंट होना है। जिस भी चीज से मार्केट प्राइस बढ़ रही है वो करो, रोकने से बढ़ रही है तो रोको राइट, बांटने से बढ़ रही है तो बांटो।
गेटिंग माय पॉइंट? तो अलग अलग थ्योरीज दी गई, अलग अलग ऑथर्स ने अपनी अपनी ओपिनियन दी फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स. मतलब आगे जितने भी फॉर्मूले हम पढ़ने वाले वो सारे के सारे फॉर्मूले होंगे मार्केट प्राइस पर शेयर कैलकुलेट करने के. मतलब ये थीम समझ आ गई कि डिविडेंड पॉलिसी में मार्केट प्राइस पर शेयर कैलकुलेट करते हैं. श्योर. और मार्केट प्राइस पर शेयर कैलकुलेट करने के कोई अलग से फॉर्मूले याद करने की आपको जरूरत नहीं है. आपने सारे फॉर्मूले, कुछ एक दो फॉर्मूले होंगे जो हमें अलग से याद करने होंगे, बाकी सारे फॉर्मूले आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में पढ़ लिए. जैसे ही मैं लिस्ट आपके सामने रखूंगा आपको ध्यान आ जाएगा कि ये सारे फॉर्मूले हमने पढ़े हुए. चेक चेक इट. क्या ये पढ़ा है हमने? के इज इक्वल टू डी बाय पी, के इज इक्वल टू डी वन अपॉन पी जीरो प्लस जी, के इज इक्वल टू ई बाय पी, के इज इक्वल टू ई वन अपॉन पी जीरो प्लस जी. एक ये नया फॉर्मूला आ गया, के इज इक्वल टू डी वन प्लस पी वन अपॉन पी जीरो माइनस वन. हालांकि रियलाइज यील्ड अप्रोच में, कॉस्ट ऑफ कैपिटल की रियलाइज यील्ड अप्रोच में हम इसका रेफरेंस ले चुके हैं, राइट? और हमने ये बोला था कि ये डिविडेंड पॉलिसी में फिर रिपीट होगा. श्योर. अब अगर हम बात करें तो इन सारे फॉर्मूले में पी यूज हो रहा है. चेक इट. इन सारे फॉर्मूले में पी यूज हो रहा है, मतलब इसको पी के एंगल से अगर कन्वर्ट कर दिया जाए तो वो डिविडेंड पॉलिसी के फॉर्मूले बन जाएंगे. देखो, पी इज इक्वल टू डी बाय की, राइट? पी इधर जाएगा, के इधर आके डिवाइड हो जाएगा, राइट? मैथमेटिकली वी आर वेरी स्ट्रांग, तो हमें ये फॉर्मूले बनाना आता है. फिर पी जीरो को एक साइड ले लेंगे तो पी जीरो के हिसाब से जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा, पी जीरो इज इक्वल टू डी वन अपॉन के ई माइनस जी. और इस फॉर्मूले को डिविडेंड ग्रोथ मॉडल बोला गया है, इस फॉर्मूले को डी सी एफ मेथड बोला गया है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड. इस फॉर्मूले का नाम गोर्डन्स मॉडल भी है. ये फॉर्मूला जिसने दिया वो गोर्डन्स मॉडल है, द मोस्ट पॉपुलर फॉर्मूला ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज गोर्डन्स मॉडल, जिसको हम पी जीरो के एंगल से पढ़ रहे हैं, राइट? वैसे बेसिकली ये पी जीरो के एंगल से ही डिराइव हुआ, के ई के एंगल से वो बाद में कन्वर्ट हुआ, राइट? लेकिन हमने के ई के फॉर्मूले पहले पढ़ लिए इसलिए हम उसको पी जीरो के एंगल से पढ़ रहे हैं. अब यहाँ पे हम देखें तो पी इज इक्वल टू ई बाय के ई, पी जीरो इज इक्वल टू ई वन अपॉन के ई माइनस जी. ये सारे फॉर्मूले हमने पी के एंगल से कन्वर्ट कर दिए. इस फॉर्मूले को भी कर देते हैं, तो इस फॉर्मूले को जब कन्वर्ट करोगे आप तो पी जीरो इज इक्वल टू डी वन प्लस पी वन अपॉन वन प्लस के ई. और इसका जो नाम है, इसका नाम है, डरने की जरूरत नहीं है, यहां पे बहुत आसान सा है ये, मोदी ग्लेनी एंड मिलर, शॉर्ट में एम एंड एम. कभी कभी होता है इस फॉर्मूले को भी नाम देते हैं, कभी कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि सी ए पी एम से निकालो. अब सी ए पी एम में तो बेसिक फॉर्मूला ऑफ सी ए पी एम इज आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इन टू बीटा. अब उसमें तो पी यूज ही नहीं होता, तो सी ए पी एम से कैसे निकाले? तो सी ए पी एम अगर बोले तो ये वाला फॉर्मूला आप लगा के आ जाना, ई बाय के ई वाला, करेक्ट? ये वो फॉर्मूले थे जो हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी में, यानी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल में पढ़ लिए थे, राइट? कॉस्ट ऑफ इक्विटी के एंगल से. अब हम कुछ ऐसे फॉर्मूले ले रहे हैं जो केवल डिविडेंड पॉलिसी में ही आए, कहीं और इसका रेफरेंस नहीं आया, जिसमें पहला मॉडल है वोल्टर्स मॉडल. वोल्टर्स मॉडल जिसमें पी का फॉर्मूला वोल्टर्स ने दिया, पी इज इक्वल टू मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन इन द एग्जाम फ्रॉम डिविडेंड पॉलिसी इज वोल्टर्स मॉडल. अगर हम डिविडेंड पॉलिसी को पास एग्जामिनेशन का रेफरेंस लेके अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाली टेक्निक वोल्टर्स मॉडल है. तो वोल्टर्स मॉडल का फॉर्मूला है डी प्लस, मतलब शेयरहोल्डर को जो हम दे रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं. एक शेयरहोल्डर के लिए रियलाइज्ड अर्निंग है और ये वाला पोर्शन शेयरहोल्डर्स के लिए अनरियलाइज्ड है, जो कंपनी ने अपने पास रोक लिया लेकिन है तो शेयरहोल्डर का ही, राइट? तो याद रखने के लिए बता रहा हूं, डी में ये वाला हिस्सा हम प्लस करेंगे. डी प्लस कंपनी ने रोका क्या? अर्निंग में से डिविडेंड, मतलब रिटेन अर्निंग रोक दिया. लेकिन ये रिटेन अर्निंग हम ऐसा नहीं करेंगे कि डी प्लस रिटेन अर्निंग, बोले शेयरहोल्डर का पैसा तो यही है, एक शेयरहोल्डर को दे दिया, एक हमारे पास रोक लिया. लेकिन जो शेयरहोल्डर को दे दिया वो तो ठीक है, लेकिन जो हमारे पास रोका वो ग्रो भी करेगा, राइट? जो रोका वो इस रेशियो से मल्टीप्लाई होगा आर अपॉन के ई से. गेटिंग माय पॉइंट? ग्रो भी कर सकता है, डाउन भी हो सकता है. तो जो हमारे पास रुका है वो कंपनी में इन्वेस्टेड है, री इन्वेस्टेड है. अब वो री इन्वेस्टेड होने पे बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है. डेट्स वाई इसको इस रेशियो से मल्टीप्लाई किया, याद रखने के लिए बता रहा हूँ, राइट? इसका पूरा लॉजिक पूरा आईसीयू में हम क्लास में लगे थे, राइट? अभी हम लॉजिक पार्ट रिवाइज नहीं कर रहे हैं. अभी आपको सारा कुछ याद आ गया होगा, जहन में सारी चीजें आ गई होगी कि ये शेयरहोल्डर्स के पास जो पैसा जाएगा रियलाइज या अनरियलाइज फॉर्म में, राइट, वो है डिवाइडेड बाय शेयरहोल्डर्स की एक्सपेक्टेशन कर दी तो प्राइस आ जाएगी, राइट? वेयर डी इज इक्वल टू डीपीएस, ई इज इक्वल टू ईपीएस, राइट? आर इज इक्वल टू इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मतलब ये एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न है,
जो कंपनी कमा रही है, राइट, इसको आरओआई का नाम दे सकते हो, गेटिंग माय पॉइंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अलग अलग नाम से क्वेश्चन में अगर कभी भी आए, तो जो कंपनी ने कमाया वो आर है, और जो शेयर होल्डर ने उम्मीद की वो के ही है, ये ध्यान रखना, इट्स एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर और इट्स एक्चुअल रिटर्न। तो उस डेटा को आइडेंटिफाई करके, क्योंकि दो रिटर्न होंगे आपको, वोल्टास वाला जब भी होगा तो दो रिटर्न में ये आइडेंटिफाई करना होगा आपको कि कौन सा रिटर्न एक्चुअल है और कौन सा रिटर्न शेयर होल्डर्स की तरफ से उम्मीद है। जो शेयर होल्डर्स की तरफ से उम्मीद होगी, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, राइट, एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ शेयर होल्डर, ऐसा कुछ भी आता तो वो के ही है। रिटर्न ऑफ कंपनी, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, आर ओ आई, ऐसा कुछ भी नाम आता है तो वो आर है। बस ये आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है, बाकी फॉर्मूला तो एज इट इज लग जाएगा, करेक्ट। तो ये है वोल्टास का फॉर्मूला। वोल्टास में एक चीज और आगे पढ़ने को मिलेगी हमें, वो चीज क्या पढ़ने को मिलेगी कि वोल्टास में ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी क्या होगा। ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी मतलब वो पॉलिसी जहां मार्केट प्राइस हाईएस्ट होगी, वही ऑप्टिमम। ऑप्टिमम का मतलब ही क्या, बेस्ट सिचुएशन। तो मार्केट प्राइस जहां हाईएस्ट होगी वो ऑप्टिमम होगा। तो ऑप्टिमम पेआउट रेशियो डिसाइड करने के लिए हमें दो चीजें देखनी होगी, याद आ गया होगा आपको, दो चीजें क्या देखनी होगी कि आर और के ई का रिलेशन देखना होगा, या तो आर के ई से छोटा होगा या आर के ई से बड़ा होगा। एक सिचुएशन और बन सकती है जहां आर और के ई दोनों इक्वल हो, हम बात करेंगे उस तीसरे सिचुएशन की, यहां अभी बात कर रहे हैं आर और के ई में इन सिमिलरिटी की, सिमिलर नहीं है, या तो आर के ई से बड़ा है या आर के ई से छोटा है। तो अगर आर के ई से बड़ा है मतलब हमारी कमाई का परसेंटेज शेयर होल्डर्स की उम्मीद से ज्यादा है, तो हम चाहेंगे कि पूरा पैसा कंपनी में रोक देना चाहिए, क्योंकि वो ग्रो करेगा। ग्रो करेगा मतलब ऑप्टिमम डिविडेंड जीरो होना चाहिए, बांटो मत, सब रोक के रखो तो ज्यादा फायदा है, राइट। इसको बोलेंगे हम 0% पे आउट रेशियो इज ऑप्टिमम। When R is less than KE, मतलब सामने वाला जो उम्मीद कर रहा है हमारी कंपनी उससे कम रिटर्न प्रोवाइड कर रही है, तो बेहतर है सामने वाले को सामने वाले का पैसा लौटा दो, राइट, क्योंकि कॉस्ट ज्यादा है और अर्निंग कम है, राइट। तो हमें, हमको रोकना नहीं चाहिए, हमको क्या करना चाहिए, D is equal to E मतलब जितना हमने कमाया उतना पूरा का पूरा बांट दो, 100% पे आउट रेशियो कर दो, ज्यादा फायदे में रहोगे, वरना डिविडेंड अगर रोक के रखा तो आपका नुकसान हो सकता है, करेक्ट। और तीसरी सिचुएशन अब मैं डील करता हूं कि व्हेन आर इज इक्वल टू के ई होगा तो क्या होगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, डिविडेंड बांटो तो ठीक, ना बांटो तो ठीक, मतलब आप डिविडेंड कुछ भी ले लो, राइट। अगर आपके अर्निंग 10 रुपए है और आप डिविडेंड लेते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 तक, जो लेना है ले लो, पॉइंट में लेना है पॉइंट में ले लो, आपकी प्राइस एग्जैक्टली सेम होगी, उस पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा अगर आर और के ई दोनों इक्वल है, राइट। तो व्हेन आर इज इक्वल टू के ई, डिविडेंड पॉलिसी इन द वोल्टास मॉडल विल नॉट इंपैक्ट द मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस विल बी सेम एट ऑल लेवल ऑफ डिविडेंड। आप अलग अलग एग्जांपल लेके क्रॉस चेक करके देख लेना, आर और के ई को बस इक्वल रखना, आपको समझ आ जाएगा। आगे हम क्वेश्चंस करेंगे, अभी केवल कंसेप्ट समझ रहे हैं, करेक्ट है। इसके बाद दो नए कंसेप्ट हो रहे हैं डिविडेंड पॉलिसी में, जो रेयरली आज द एग्जाम है, लेकिन उसको हम पढ़ भी यही रहे और उसके क्वेश्चन और एग्जाम्पल यही सॉल्व कर रहे हैं, एग्जाम्पल के साथ उसको कर रहे हैं, फिर हम बुक की तरफ मूव करेंगे। तो दो नए कंसेप्ट जो इस हमारे डिविडेंड पॉलिसी में है, पढ़ने देखने और पढ़ने और समझने की कोशिश मत करना, आई विल क्रिएट अ बैकग्राउंड, मैं पूरा समझाने की कोशिश करूंगा, तो मैं जहां हूं वहीं आप रहना तो ज्यादा ठीक रहेगा। ग्राहम एंड डोड मॉडल, राइट, ग्राहम एंड डोड मॉडल, देखो इसका बैकग्राउंड क्रिएट करते हैं। बैकग्राउंड क्या क्रिएट करते हैं कि जनरली हम एमपीएस का एक फॉर्मूला देखते हैं, ईपीएस इंटू पीई रेशियो, ईपीएस इंटू पीई रेशियो। मान लो ईपीएस 10 है और पीई रेशियो 8 है, तो प्राइस कितनी हो गई, 80, प्राइस हो गई 80। अब क्या हो रहा है कि दिस पॉलिसी इज नॉट गिविंग एनी इंपॉर्टेंस टू द डिविडेंड, डिविडेंड को कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहा। मान लो इस 10 में से आपने 5 रुपए डिविडेंड बांटा, तो भी फॉर्मूला तो ईपीएस इंटू पीई रेशियो ही है, तो आपकी प्राइस 80 रहेगी। आपने 5 रुपए बांटा, 6 रुपए बांटा, 7 रुपए बांटा, 8 रुपए बांटा, आपने जो डिविडेंड बांटा, डिविडेंड इज नॉट प्लेइंग एनी रोल इन द पीई मॉडल, पीई मॉडल में डिविडेंड रोल प्ले नहीं कर रहा है। तो ग्राम एंड डोड ने बोला यार ऐसा थोड़ी होता है, केवल अर्निंग पार्टिसिपेट थोड़ी करेगी, डिविडेंड को भी प्राइस में कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करवाना चाहिए। दैट्स व्हाई ग्राम एंड डोड ने ये वाला मॉडल इंट्रोड्यूस किया, और उसने अर्निंग के साथ साथ डिविडेंड को भी इंपॉर्टेंस दी। अब इंपोर्टेंस कितनी दी कि उन्होंने अर्निंग को जो इंपोर्टेंस दी वो डिविडेंड के कंपैरिजन में कम दी, राइट। अर्निंग को इन्होंने डिवाइड बाय 3 कर दिया और डिविडेंड को उन्होंने पूरा रखा, राइट। इसके पीछे कोई भी बैकग्राउंड रहा होगा, वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट, हम उस लॉजिक की तरफ जा भी नहीं रहे कि ऑथर की क्या सोच रही थी कि ई को डिवाइड बाय 3 क्यों किया, भूल जाओ आप उसको। लेकिन उन्होंने डिविडेंड पूरा लिया,
और अर्निंग को डिवाइडेड बाय 3 कर दिया, ई डिवाइडेड बाय 3, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया मल्टीप्लायर से, मल्टीप्लायर लाइक पी रेशियो, राइट, मल्टीप्ल 4 times 5 times 3 times, बस उन्होंने नाम उसको मल्टीप्लायर दिया, इसलिए हम उसको पी रेशियो नहीं बोल रहे, ऑथर ने ओरिजिनली उसको मल्टीप्लायर बोला। तो वैसे तो फॉर्मूला है ईपीएस इंटू मल्टीप्लायर, लेकिन इन्होंने क्या बोला, ईपीएस प्लस ईपीएस, बस ईपीएस को डिवाइड बाय 3 कर दिया इंटू मल्टीप्लायर, इज कॉल्ड पी, राइट। तो इन्होंने डिविडेंड को भी इंपॉर्टेंस दिया, राइट। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक एग्जांपल से इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, तो लेट्स से कि डीपीएस आपका जो है वो 60% ऑफ ईपीएस है, ईपीएस 12 रुपए है, राइट, और मल्टीप्लायर 8 times है, तो व्हाट इज द प्राइस, तो प्राइस आपकी क्या होगी, प्राइस आपकी होगी डिविडेंड 60% यानी कि 7.2 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 3, 12 डिवाइड बाय 3 मतलब 4, 4 और 7.2, 11.2, 11.2 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 11.2 मल्टीप्लाई 8, तो इट्स कमिंग 89.6। क्या ये ग्राहम एंड डोट क्लियर है आपको, बैकग्राउंड क्लियर है कि इसके पीछे थॉट क्या रही, और उन्होंने डिविडेंड को इंपॉर्टेंस देना शुरू किया, राइट। एग्जाम में बहुत बेसिक से क्वेश्चंस आएंगे जहां ये डेटा आपको गिवन होगा, राइट। हो सकता है कि डिविडेंड में थोड़ा घुमा दें कि डिविडेंड इज लाइक दिस, ये इधर उधर से कनेक्ट कर दें, लेकिन आपको तीन चीजें चाहिए, डीपीएस, ईपीएस और मल्टीप्लायर, करेक्ट। ये तीनों चीजें, हो सकता है कि मल्टीप्लायर डायरेक्ट दे दें और ये दो चीजें आपको कहीं ना कहीं इधर उधर से कैलकुलेट करने का बोले कि ईपीएस के लिए अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दे, हमें सब आता है, राइट। बस हमें तीन एलिमेंट चाहिए, तीन एलिमेंट आने के बाद ये फॉर्मूला हम लगा देंगे, करेक्ट। और आगे गए हम, राइट, और एक और मॉडल आया, वो है लिंटनर्स मॉडल, रेयरली आज दे लेकिन है तो सही कोर्स में, लिंटनर्स मॉडल। अब लिंटनर्स मॉडल का बैकग्राउंड अगर क्रिएट करें, तो इट इज नॉट कैलकुलेशन ऑफ प्राइस, ये फॉर्मूला कैलकुलेशन ऑफ प्राइस का है ही नहीं, राइट। तो डिविडेंड पॉलिसी का फॉर्मूला जरूर है, लेकिन प्राइस कैलकुलेट नहीं कर रहा, ये डिविडेंड कैलकुलेट करके बताता है कि डी वन कैसे कैलकुलेट होगा, डी वन। वैसे बेसिकली अगर मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूं कि लेट्स से आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो 60 है, आपकी अर्निंग है 10, तो आपका डिविडेंड कितना होगा, 10 का 60% 6, ठीक है, 25 है और ये 15 है, राइट। ये वही एग्जांपल मैंने एज इट इज कॉपी किया जो हमने क्लास में पढ़ा, राइट। तो ये एग्जांपल आपकी कॉपी में लिखा हुआ भी होगा, राइट, ये सारे एग्जांपल्स आपकी कॉपी में, एज इट इज वहां से कॉपी करके उठाया, क्योंकि रिविजन पार्ट में, राइट, ये एग्जांपल कोई ना कोई तो लेना ही था, तो मैंने सेम एग्जांपल उठा लिया, एग्जांपल लेना जरूरी था एक बैकग्राउंड क्रिएट करने के लिए। इसका 60% लिया, फिर 3 रुपए कमाया तो इसका 60% लिया। तो देखो आप, बड़ा फ्लक्चुएशन दिख रहा है डिविडेंड में, एक जगह हम 6 रुपए दे रहे हैं, एक जगह 15 रुपए दे रहे हैं, उसके अगले साल 1.8, तो सीधा 6 से जंप मार के 15, 15 से जंप मार के 1.8, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि डिविडेंड में बहुत ड्रास्टिक फ्लक्चुएशन हो रहा है, राइट। अनसर्टेनिटी सी दिख रही है कि यार अगले साल डिविडेंड कितना मिलेगा, ये शेयर होल्डर्स जज ही नहीं कर पा रहे, तो ये बैकग्राउंड था। तो लिंटनर्स मॉडल ने क्या बोला, लिंटनर्स मॉडल ने ये बोला कि यार ये जो डिविडेंड है ना, कि पिछले साल डिविडेंड अगर 6 रुपए था ना, तो अगले साल का डिविडेंड, अब अर्निंग बढ़ी है तो बढ़ाना तो है, लेकिन इतना ज्यादा मत बढ़ाओ, राइट, इतने पेस से मत बढ़ाओ, इसको थोड़ा सा कम करो, इसको थोड़ा सा कम करो, गेटिंग माई पॉइंट, यानी कि बढ़ाओ तो भी पेस कम रखो, गिराओ तो भी पेस कम रखो, ताकि शेयर होल्डर्स को यह लगे कि पिछले साल के डिविडेंड के आसपास ही हमें डिविडेंड मिला, अगले साल भी फिर इस डिविडेंड के आसपास ही मिले, अगले साल भी उस डिविडेंड के आसपास ही मिले। यानी कि इन्होंने बोला बहुत ड्रास्टिक चेंज मत करो डिविडेंड पॉलिसी, ऐसी डिसाइड मत करो कि सीधा सीधा आप जो कमाया उसका 60% बांटेंगे। तो फिर इन्होंने इस बैकग्राउंड के जवाब में अपना एक मॉडल दिया, राइट, अपना एक मॉडल क्या दिया कि लेट्स से लास्ट ईयर का डिविडेंड 20 है, टारगेटेड अर्निंग 80 है, मतलब 20 से सीधा जंप मार रहे हम 4 गुने का, राइट, टारगेटेड पे आउट रेशियो इज 60, तो वैसे आपके हिसाब से डिविडेंड कितना देना चाहिए, 80 का 60% यानी कि 48, यस या नो, 80 का 60% यानी कि 48, करेक्ट। अब ये 48 में क्या ऐसे भी निकाल सकता हूं क्या कि 20 लास्ट ईयर का डिविडेंड था, 20 प्लस 28, बात तो एक ही है ना, 48 को 20 प्लस 28 ऐसे निकाल सकता हूँ क्या, वो 28 कैसे आया कि मैंने 80 इंटू 60% किया तो 48 आया, और 48 में से बोले यार 20 तो मैं पहले ही जोड़ चुका हूँ, तो वापस 20 को मैंने लेस कर दिया तो 28 आ गया, करेक्ट है क्या। तो ये वाला पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स्ट्रा डिविडेंड कितना मिलेगा पिछले साल के कंपैरिजन में, कि मैंने पिछले साल का डिविडेंड लिया D0 और उसके कंपैरिजन में एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है, एक्स्ट्रा मिल रहा है 28,
राइट, ये वही मॉडल है, ये वही माला मॉडल है जो यहाँ हम कर रहे थे, उसको थोड़ा सा मैंने डिटेल में लिखा, राइट, थोड़ा सा अलग पे मैं फॉर्मेट में लिखा, वरना है ये वही कि 80 का 60% यानी कि 48, अगर आप इससे इस फॉर्मूले से भी निकालने जाओगे तो 48 ही आना है। लेकिन इस मॉडल की खास बात ये कि ये मॉडल ये बोल रहा है कि 20 हमने पहले दिया था प्लस 28 एक्स्ट्रा बनता है, लेकिन ये पूरा मत दो, ये 28 एक्स्ट्रा जो बनता है ना ये पूरा मत दो, ये 30% दो, 20% दो, 40% दो, 60% दो, लेकिन पूरा मत दो, 100% एक्स्ट्रा डिविडेंड मत दो, राइट, गेटिंग माय पॉइंट, मतलब इसको एक एडजस्टमेंट फैक्टर से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। प्रैक्टिकल लाइफ में आपको डिसाइड करना होगा कि 20-30 आप कितना एक्स्ट्रा डिविडेंड देना चाहते हो, तो ये लिंटनर्स मॉडल का फॉर्मूला ही बन गया, राइट, कि यहां तक का तो आपको फॉर्मूला पता ही था, बस इसको एडजस्टमेंट फैक्टर से मैंने मल्टीप्लाई किया तो आ गया एक्स्ट्रा डिविडेंड पूरा ना देते हुए कुछ कम, 20%, 30%, 40% एंड सो ऑन, करेक्ट। एक अगर आपके पास क्वेश्चन दिख रहा है आपको तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट ईयर का डिविडेंड 15, टारगेटेड ईपीएस है 50, टारगेटेड पेआउट है 40, राइट, तो लास्ट ईयर हमने कितना डिविडेंड दिया था, ₹15 प्लस एक्स्ट्रा डिविडेंड कितना मिलना चाहिए था पॉलिसी के हिसाब से, बोले 50 का 40%, ये टोटल डिविडेंड होना चाहिए था 50 का 40%, लेकिन 15 तो हम ऑलरेडी पहले लिख ही चुके, तो 15 माइनस किया तो पता चला एक्स्ट्रा पोर्शन इज कमिंग 5, देख लो आप एक बार, 20 माइनस 15 5, लेकिन 5 पूरा मत दो, 5 का केवल 25% ही दो, 5 का केवल 25% ही दो, तो ये आ जाएगा 15 प्लस 1.25 इज इक्वल टू 16.25, चेक इट, चेक कर लेना बस, क्रॉस चेक 5 इंटू 0.25 1.25 ही आ रहा है, प्लस 5 15 कर दिया तो 16.25, जिससे बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं दिखा, शेयर होल्डर्स को ये फील होगा कि मुझे लास्ट ईयर के आसपास का डिविडेंड ही मिला है, करेक्ट है क्या? तो दिस इज ऑल अबाउट डिविडेंड पॉलिसी कंसेप्ट, राइट, कंसेप्ट इज क्लियर, बस अब किसके क्वेश्चंस बचे हैं, जिसके क्वेश्चंस हम करते हैं एक एक टाइप के सारे क्वेश्चंस, राइट, तीन मॉडल के हम क्वेश्चंस करेंगे, राइट, नंबर 1 वोल्टस, नंबर 2 मोदिग्लिआनी एंड मिलर, और नंबर 3 डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, राइट, तीन टाइप के क्वेश्चंस है जो हम यहां करेंगे, ठीक। सबसे पहले हम आ जाते हैं वोल्टस मॉडल की तरफ, राइट, वोल्टस मॉडल के एक दो क्वेश्चंस करेंगे, वोल्टस मॉडल का ये पहला ही क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो, जिससे एक बैकग्राउंड क्रिएट होगा और आपको फॉर्मूला एप्लीकेशन आएगी। नंबर ऑफ शेयर दिया है सच ये काम का नहीं है, क्योंकि हम प्राइस पर वैसे भी टोटल वैल्यू नहीं निकाल रहे होते हैं, हम प्राइस निकाल रहे होते हैं एक शेयर की, तो हमें तो पर शेयर चाहिए। ईपीएस दिया है, डीपीएस दिया है, इक्विटी कैपिटलाइजेशन दिया है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिया है, आर कौन सा है, के कौन सा है, बस ये जज करना इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो है, सॉरी, ये वाला जो है वो के है, और ये वाला जो है वो आर है, राइट, बस ये जजमेंट आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा, राइट, तो पढ़ लो, जिनके पास नोट्स नहीं है वो क्वेश्चन पढ़ सकते हैं कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दिया है, ईपीएस दिया है, डीपीएस दिया है, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट दिया है, और 15 इन्होंने बोला एज पर वोल्टास मॉडल मार्केट वैल्यू पर शेयर क्या होगी, राइट, तो एमपीएस निकालना है आपको, वोल्टास मॉडल का फॉर्मूला क्या है वो लगा लो, वोल्टास मॉडल का फॉर्मूला है पी इज इक्वल टू डी प्लस आर डिवाइडेड बाय के मल्टीप्लाई रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग मतलब ई माइनस डी होल डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन के ई, ठीक है, डी कितना क्वेश्चन ने दिया है, डी 2.4 प्लस आर 0.15 डिवाइडेड बाय के ई 0.12 मल्टीप्लाई 4 माइनस 2.4 होल डिवाइडेड बाय 0.12, राइट, ईपीएस हमारा 4 था, इसको पूरे को सॉल्व करो, फाइनल आंसर आ जाएगा, राइट, तो ये ऊपर वाला हिस्सा अगर हम देखें तो 2.4 प्लस 0.15 डिवाइड बाय 0.12, 0.15 डिवाइड बाय 0.12 मल्टीप्लाई 1.6, तो ये आ रहा है 2.4 डिवाइड प्लस 2 डिवाइड बाय 0.12, तो ये प्राइस आ जाएगी 4.4 डिवाइड बाय 0.12, तो इट्स कमिंग 36.67, राइट, तो 36.67 विल बी द प्राइस, ये पहले पार्ट का आंसर होगा, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, करेक्ट। दूसरे पार्ट में इन्होंने क्या बोला कि टू कीप द शेयर प्राइस 40, मतलब शेयर प्राइस आपको 36.67 नहीं चाहिए, शेयर प्राइस आपको 40 चाहिए, तो डिविडेंड कितना बांटना पड़ेगा, राइट, डिविडेंड कितना बांटना पड़ेगा, ठीक है, प्राइस की जगह हम 40 ले लेंगे और बाकी
हम डिविडेंड की जगह डी मिसिंग कर देंगे, राइट। फॉर्मूला क्या है, प्राइस इज इक्वल टू डी प्लस, डी तो मुझे पता ही नहीं क्योंकि डी अब मुझे निकालना है, प्लस आर डिवाइडेड बाय के मल्टीप्लाई ई माइनस डी होल डिवाइडेड बाय के, करेक्ट है क्या? तो इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे मैथमेटिकली तो बहुत आसानी से डी आ जाएगा। चलो देख लेते हैं, 12 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा 14 × 12 4.8 इज इक्वल टू डी प्लस 0.15 डिवाइड बाय 0.12, 0.15 डिवाइड बाय 0.12 तो इट्स 1.25 मल्टीप्लाई 4 माइनस डी। और सिंप्लीफाई करते हैं, 4.8 इज इक्वल टू डी प्लस 1.25, अंडर एंटर कर दो, 5 माइनस 1.25 डी। अब इधर डी डी एक साइड रहने दो, 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 5 और 4.8 प्लस कर दो, माइनस 0.20 इज इक्वल टू, इधर बचेगा माइनस 0.25 डी, तो देयर फोर डी इज इक्वल टू 0.20 अपॉन 0.25, 0.8 आ रहा होगा आई थिंक, 0.2 डिवाइड बाय 0.25, 0.8, तो 0.80 इज डी। लेकिन क्वेश्चन ने डी नहीं पूछा, क्वेश्चन ने डिविडेंड पे आउट पूछा, तो हमने 4 रुपए कमाया और 4 में 0.8 बांटा, तो कितने परसेंट बांटा? तो डिविडेंड पे आउट का फॉर्मूला होगा, पे आउट का फॉर्मूला होगा क्या, पे आउट इज इक्वल टू डीपीएस अपॉन ईपीएस, राइट, यानी कि 0.8 अपॉन 4 इंटू 100 कर दो तो परसेंटेज में आ जाएगा, इट्स कमिंग 20%, करेक्ट, श्योर। तीसरे पार्ट की तरफ जाते हैं, थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है कि एज पर वोल्टर्स मॉडल ऑप्टिमम पे आउट क्या होगा। क्या ऑप्टिमम का हमने एक पूरा डिसीजन बना लिया था, क्या पूरा वे बना लिया था कि ऑप्टिमम डिसाइड करने के लिए पहले आर और के ई का रेशियो देख लो, कि सिंस आर इज ग्रेटर देन के ई, क्या है क्या ऐसा, सिंस आर इज ग्रेटर देन के ई देयरफॉर ऑप्टिमम पे आउट इज, ऑप्टिमम पे आउट इज क्या करेंगे, रोक के रखेंगे सारा फंड कि सारा बांट देंगे, पे आउट उसके बाद डिसाइड हो जाएगा। कि अगर हमारी इंटरनल लर्निंग ज्यादा है, राइट, के ई से कॉस्ट से हमारा रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है, तो हम चाहेंगे कि पैसा रुके मतलब डिविडेंड ना बटे मतलब जीरो बटे, वो ज्यादा अच्छा है, राइट। तो ऑप्टिमम पे आउट जीरो होगा, तो ऑप्टिमम पे आउट एज पर वोल्टास मॉडल या तो जीरो होता है या 100% होता है, राइट। बीच का कोई भी रेशियो आपका ऑप्टिमम कभी नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये यहीं खत्म हो गया। और इन्होंने फोर्थ पार्ट पे पूछा है कि प्राइस एट डेट पे आउट रेशियो, प्राइस एट डेट पे आउट रेशियो मतलब डी जीरो रख के प्राइस निकाल लो, जीरो प्लस 0.15 अपॉन 0.12 मल्टीप्लाई 4 माइनस 0 होल डिवाइडेड बाय 0.12, राइट। तो न्यूमरेटर आपका कितना आ रहा है, 1.2545 आई थिंक 5 डिवाइडेड बाय 0.12, देखो 5 डिवाइडेड बाय 0.12 इट्स कमिंग 41.67। क्रॉस चेक जरूर कर लेना आप कैलकुलेटर्स पे, क्लियर। तो वोल्टास मॉडल का एप्लीकेशन हमें समझ आ गया कि यार वोल्टास मॉडल कैसे अप्लाई होता हुआ दिख रहा है, श्योर। अब हम वोल्टास के कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, जहां क्या होगा बहुत सी जगह के ई मिसिंग होगा, बहुत सी जगह आर मिसिंग होगा, तो यह हमें आइडेंटिफाई करना होगा। लेट्स से कि हम क्वेश्चन पे जाते हैं, और वो है मान लो क्वेश्चन नंबर 4। तो यहां जब देखोगे ना आप, तो के ई भी मिसिंग है, आर भी मिसिंग है, टी भी मिसिंग है और ई भी मिसिंग है, मतलब डी पर शेयर नहीं है, ई पर शेयर नहीं, अमाउंट टर्म में, तो उसको पर शेयर में कन्वर्ट करना हमें आता है क्या? कि जैसे ये अर्निंग आपको दी है 4 लाख और नंबर ऑफ शेयर दिए 40,000, तो व्हाट इज ईपीएस, ईपीएस कितना रहा होगा? तो ई इज इक्वल टू 10 लिख सकता हूं मैं, बिल्कुल ठीक है। डिविडेंड 3.20 रहा और नंबर ऑफ शेयर 40 रहे, तो डीपीएस कितना रहा होगा? डी इज इक्वल टू 8 लिख सकता हूं मैं, कि 8 रुपए पर शेयर का डिविडेंड बांटा, पर शेयर में कन्वर्ट कर रहा हूं। अब सवाल ये है कि इन्होंने पी रेशियो दिया है, के ई नहीं दिया, क्या हमें आता है क्या, क्या हमें पता है कि के ई और पी में रिलेशन क्या है? कि के ई इज इक्वल टू 1/P, 1/12.5 जब हम करेंगे तो ये हमारा के ई आ जाएगा 1/12.5, 0.08 मतलब 8% हो जाएगा, गेटिंग माई पॉइंट। अब आर मिसिंग है, मतलब ये सारी चीजें मिसिंग थी लेकिन आसान थी, आर मिसिंग है, आर कैसे आएगा,
आर बोले यार देखो आपकी टोटल कैपिटल कितनी, कंपनी आर का मतलब क्या होता है, कंपनी की कमाई का एग्जैक्ट परसेंटेज कि कंपनी ने कितना परसेंट कमाया। तो कंपनी ने 40 लाख की कैपिटल इन्वेस्ट करके 4 लाख रुपए कमाया, मतलब आर इज 10%, यस या नो, आर इज 10%। अब ई आ गया, डी आ गया, के ई आ गया, आर आ गया, तो अब मुझे नहीं लगता है कि इस फॉर्मेट में आपको कोई दिक्कत है, राइट। इससे आप प्राइस निकाल लोगे। लेकिन क्वेश्चन इसके आगे और पूछना चाह रहा है कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द वेदर कंपनी डिविडेंड पॉलिसी इज ऑप्टिमिस्टिक यूजिंग वोल्टर्स मॉडल, मतलब ये ऑप्टिमम है कि नहीं ये चेक करना है। तो ऑप्टिमम तो ये तो श्योर है कि ऑप्टिमम कभी भी बीच वाला फिगर हो ही नहीं सकता, या तो ऑप्टिमम 0 होगा या ऑप्टिमम 100% होगा। बोले यहां रिलेशन पे डिपेंड करेगा, आर इज ग्रेटर देन के ई है, आर इज ग्रेटर देन के ई है कि आर इज लेस देन के ई है। तो पता चला आर यहां पे भी ज्यादा है, मतलब ऑप्टिमम पे आउट यहां पे भी क्या होगा, 0। तो इतना सा नहीं लिखना आपको कि ऑप्टिमम पे आउट, भले ही क्वेश्चन ने इतना बोला है, लेकिन मैं आपको एडवाइस दे रहा हूं क्वेश्चन एग्जाम में जब करो तो उस 0 पे प्राइस भी कैलकुलेट करके आ जाना। भले ही क्वेश्चन ना भी पूछे तो भी उस 0 पे प्राइस कैलकुलेट करके आ जाना। मुश्किल से 1 मिनट आपका एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन एग्जामिनर को मार्क्स काटने का कोई स्कोप दो ही मत। श्योर ये क्लियर है क्वेश्चन? तो आई थिंक इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। फिर और आगे हम गए, और आगे गए तो यहाँ इन्होंने बोला, यहाँ इन्होंने अलग वे में क्वेश्चन दिया कि ईपीएस जो है वो 16 रुपये है, मार्केट कैपिटलाइजेशन एप्लीकेबल टू द कंपनी इज 12.5। मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब मार्केट उम्मीद कर रहा है, तो ये 12.5 क्या है, के ई है। फिर इन्होंने बोला रिटेन अर्निंग कैन बी एम्प्लॉयड टू यील्ड, ये रिटेन अर्निंग आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो कमाएगी वो 10% कमाएगी, मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी 10 है और मार्केट की उम्मीद 12.5 है, तो ये 10 आर है और ये के ई है, राइट। आपके पास ई आ गया, आर आ गया, के ई आ गया, बस अब डिविडेंड आ जाए तो प्राइस निकाल लोगे। तो डिविडेंड में इन्होंने बोला कि पे आउट 25% है, 50% है, 75% है, राइट। 25% मतलब 16 का 25%, 4 रुपये एक बार डिविडेंड लेना है, 8 रुपये एक बार डिविडेंड लेना है और 12 रुपये एक बार डिविडेंड लेना है। अब सब कुछ तो आ गया आपके पास, सब कुछ आ गया तो आप निकाल ही लोगे। और उसके बाद इन्होंने ऑप्टिमम पूछा है, तो ऑप्टिमम में आर और के ई के रिलेशन पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे आर और के ई का रिलेशन अगर देखें तो आर इज लेस देन के ई, आर इज लेस देन के ई मतलब हम इंटरनली कम कमा रहे हैं, तो हम बोलेंगे जिसका पैसा है उसको दे दो, यानी कि 100% पे आउट रेशियो विल बी ऑप्टिमम। तो टोटल 4 प्राइसेज आपकी निकलेगी, 25, 50, 75 और 100, करेक्ट। तो ये भी क्वेश्चन अगेन नॉर्मल कैटेगरी में था। अब हम आते हैं कुछ एक अच्छे क्वेश्चन की तरफ, राइट। अब वोल्टास के आप एक दो क्वेश्चंस आसानी से कर लेना, मैं आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 के दो पार्ट बड़े आसान है, राइट। वो दो पार्ट बड़े आसान है, आपको पढ़ने पर समझ आएगा, डू नॉट वरी, जल्दबाजी मत करो कि यार ये क्या है। मैं पूरा क्वेश्चन आपके साथ पढ़ता हूँ, राइट, और उसके बाद ही हम क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन असर्टेन वेदर द फॉर्म इज फॉलोइंग ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी एज पर वोल्टास मॉडल, राइट। वोल्टास मॉडल के हिसाब से ऑप्टिमम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। टोटल अर्निंग दी है, नंबर ऑफ शेयर्स दिए हैं, तो आपको पता है कि ईपीएस तो आप निकाल ही लोगे, अर्निंग डिवाइड बाय नंबर ऑफ, डिविडेंड दे दिया तो डीपीएस भी निकाल लोगे, पी दिया है तो केई भी निकाल लोगे, राइट। और आर नहीं दिया है, तो आर नहीं दिया तो कोई दिक्कत थोड़ी, आर हमने अभी निकाला ही ना, कि हमने कमाया इतना और हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है, 100 रुपये 40 के हिसाब से, तो हमारा इन्वेस्टमेंट है 40 लाख, 40 लाख के इन्वेस्टमेंट पर हमने 6 लाख कमाया, तो आर आ गया, राइट, 6 लाख डिवाइड बाय 40 लाख × 200, तो ये सब आ गया, आप प्राइस निकाल लोगे। मैंने इस बात के लिए क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिया, मैंने यहाँ पे लिया कि व्हाट शुड बी द पी रेशियो एट विच डिविडेंड पॉलिसी विल हैव नो इम्पैक्ट। मैंने सेकेंड पार्ट के लिए क्वेश्चन बोर्ड पे लिया है कि पी रेशियो क्या होगा जिस पे डिविडेंड पॉलिसी का कोई इंपैक्ट प्राइस पे नहीं आएगा। तो पहले तो ये देखो कि यहाँ पीई की बात नहीं है, पहले वो देखो कि डिविडेंड पॉलिसी का इंपैक्ट शेयर प्राइस पे कब नहीं आता एज पर वोल्टास मॉडल। हमने सिचुएशन समझी थी कंसेप्ट में कि आर और केई अगर इक्वल होते हैं, आर और केई अगर इक्वल होते हैं तो वहां डिविडेंड पॉलिसी का कोई इंपैक्ट नहीं आता इन इन कैलकुलेशन ऑफ प्राइस। तो आर और केई इक्वल चाहिए, पहले तो ये निकाल लो आर और केई इक्वल कितना है, तो आर कितना है पहले ये निकालो, तो आ रहा है 6 लाख डिवाइडेड बाय 40 लाख, राइट, 15%, 15% आर आ गया। तो यही हम मान लेंगे कि केई भी क्या है, 15%। इसी सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि डिविडेंड आप कितना भी बांटो आपकी प्राइस पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, लेकिन इन्होंने
इन्होंने पी पूछा है, तो एक बार अगर के ई आ गया, के ई 15% आ गया, तो क्या 1/KE करके, 1/15% करके हम पी रेशियो निकाल सकते हैं क्या? 1/0.15, तो 6.67 आपका पी रेशियो आ जाएगा, करेक्ट। और तीसरे पार्ट में भी कोई दिक्कत नहीं है, 10 की जगह इन्होंने बोला पी रेशियो अगर 5 हो तो क्या होगा, 5 होगा तो के ई चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात, राइट। तो इस क्वेश्चन का ये वाला पार्ट इसलिए मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिया, करेक्ट। तो R इक्वल टू के ई और 1/KE कर दिया तो आपका P आ गया, श्योर। अब हम बढ़ रहे हैं अगले कंसेप्ट की तरफ, वो है मोदी ग्लियानी एंड मिलर। M एंड M के क्वेश्चंस डिविडेंड पॉलिसी में कैसे आते हैं? सारे सेम टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन किया कि सारे क्वेश्चंस आपके आराम से बनेंगे। मोदी ग्लियानी एंड मिलर का फॉर्मूला क्या है? पी जीरो इज इक्वल टू डी वन प्लस पी वन अपॉन वन प्लस के, करेक्ट। मोदी ग्लियानी मिलर में एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है कि क्वेश्चन कभी भी जो इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा वो करंट मार्केट प्राइस की इन्फॉर्मेशन आपको प्रिंट करके देता है, तो ये जल्दबाजी में ये फॉर्मूला ऐसे मत लगा देना, इस फॉर्मूले को लगाओगे ऐसे ही, लेकिन पी जीरो आपको क्वेश्चन में हमेशा मेजोरिटी टाइम गिवन होगा, आपको जो निकालना है वो पी वन निकालना होगा। चाहो तो आप पी वन के एंगल से फॉर्मूले को बना लो, और चाहो तो यही फॉर्मूला लगाओ और पी वन को मिसिंग कर दो, ऑटोमेटिक मैथमेटिकली आप इसको निकाल ही पाओगे, करेक्ट। चलो तो मोदी ग्लियानी एंड मिलर के क्वेश्चन के साथ ही हम इसको पढ़ाते हैं, राइट। हमारे नोट्स का क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं हम मोदी ग्लियानी एंड मिलर का, राइट। डो नॉट वरी, किसी के पास नोट्स नहीं है, राइट, किसी ने नहीं पढ़ा विद्योदय से, डो नॉट वरी, हमारा टारगेट वो नहीं है, हमारा टारगेट आप तक ये रिविजन लेक्चर पहुँचाना है, राइट। आपको हेल्प हो, आप एग्जाम टाइम पे इनको देख के पढ़ के आप एग्जाम टाइम में अच्छे से स्कोर कर पाओ, द टारगेट इज दैट, राइट। अदरवाइज ओपन लेक्चर्स और ये डालने का कोई सेंस नहीं बनता, अगर हमको स्टूडेंट्स को ही देना होता तो शायद ये सारे ऐप पे डल चुके होते, राइट, प्राइवेट वे में जा चुके होते। पब्लिक करने का रीज़न ही ऑब्वियसली यही होगा कि हम चाहते हैं कि आप तक वो हेल्प पहुंचे, ठीक है। चलो क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, इत्मीनान से पढ़ रहे हैं, राइट। क्वेश्चन है या नहीं है कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, हम पढ़ ही रहे हैं साथ में, पढ़ के यहीं से समझ लो। ABC Limited has 10 lakh equity shares outstanding at the beginning of the year. ये 10 lakh share beginning of the year में outstanding है, क्या relevance है इस चीज का समझेंगे हम आगे, right? The current market price is 150. Current market price मतलब this is P0, जल्दबाजी में इसको P1 मत मान लेना। And the directors have recommended a dividend of 8. राइट, रिकमेंडेड 8 मतलब ये बाद में डिविडेंड मिलेगा, अभी रिकमेंड किया है तो आने वाले टाइम का डिविडेंड है, तो ये D1 होगा। द शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट रिटर्न ऑफ 12%, मतलब ये KE हो गया। तो अप्लाइंग MM मॉडल कैलकुलेट फेयर प्राइस ऑफ द शेयर व्हेन डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड व्हेन डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड, मतलब डिविडेंड एक बार लेना है, एक बार डिविडेंड जीरो लेना है। तो आप तो क्या करो, क्वेश्चन नंबर 2 में आप फॉर्मूला लगा लो पहले। फॉर्मूला कौन सा है, वापस से रिपीट कर रहा हूँ, फॉर्मूला इज पी जीरो इज इक्वल टू डी वन प्लस पी वन अपॉन वन प्लस की, राइट। अब 2 का फर्स्ट पार्ट है और फर्स्ट में भी 2 है, व्हेन डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड व्हेन डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड। तो अगर डिविडेंड डिक्लेयर्ड होगा तो पी जीरो की जगह 150 आएगा, व्हेन डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड डी की जगह 8 आएगा, पी वन इज मिसिंग, के की जगह 1.12 आ जाएगा, राइट, 12% इज की, श्योर। ये इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, राइट, 8 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। तो पहले आप तो मल्टीप्लाई कर दो, ये जब आप 150 से 1.12 मल्टीप्लाई करोगे तो इट्स कमिंग 168 इज इक्वल टू 8 प्लस पी वन, और 8 इधर आके लेस हो जाएगा, तो देयरफॉर पी वन इज इक्वल टू 160, करेक्ट। अब व्हेन डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड तो डिविडेंड 8 की जगह 0 आ जाएगा, व्हेन डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड बी पार्ट का आंसर हमारा क्या होगा, बी पार्ट का हमारा आंसर होगा 150 इज इक्वल टू 0 प्लस पी वन अपॉन 1 प्लस के, 0 प्लस पी वन अपॉन 1 प्लस के 1.12, तो ये आंसर हो जाएगा पी वन इज इक्वल टू 168, करेक्ट। 0 तो कोई रोल प्ले करेगा नहीं, इधर आके 0 माइनस होगा तो भी बातें की, श्योर। तो ये 2 आंसर हो गए, और मोदी ग्लियानी एंड मिलर की सारी अप्रोच सेम टाइप से होगी, एग्जैक्टली सेम, ठीक। अब मोदी ग्लियानी एंड मिलर में एक चीज यहां पे इस क्वेश्चन के साथ पढ़ रहे हैं हम, ये कंसेप्ट हमारा जो है थोड़ा सा अलग है।
कि इन्होंने क्या बोला कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट बजट 500 लाख है और एंटीसिपेटेड प्रॉफिट 180 लाख है, तो आपको कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे अगर डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तो, और डिविडेंड नहीं डिक्लेयर करते हैं तो। पहले तो ये बताओ कि शेयर इशू जो हम कर रहे हैं, राइट, कि हमें फंड बाहर से जितना लाना है, जितना भी फंड लाना है, लेट से 500 अगर पूरा बाहर से लाना है तो 500 को डिवाइडेड बाय एक शेयर की प्राइस से डिवाइड कर दूंगा, राइट, शेयर प्राइस से डिवाइड कर दूंगा ऑफ वन शेयर, तो क्या नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड आ जाएगा, कि जितना पैसा मुझे लाना है उसको डिवाइड कर दूं एक शेयर की प्राइस से तो नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड आ जाएगा। अब सवाल यह है कि कितना पैसा मुझे बाहर से लाना है, तो 500 लाख का बजट है, तो आप ये बोलोगे 500 लाख का बजट है तो 500 ही लाना है, लेकिन 500 में से 180 तो मेरे पास इंटरनली है ना यार, तो मैं 500 पूरे के पूरे बाहर से क्यों लाऊंगा, मैं 500 में से 180 पूरे यूज कर लूंगा। आप बोलोगे सर 180 भी पूरे थोड़ी है, 180 में से डिविडेंड भी बांटेंगे, बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हो कि 180 में से डिविडेंड लेस होने के बाद जो बचेगा ना वही यूज कर पाओगे, राइट, और 500 में से वो जो यूज कर पाओगे उसको लेस कर दोगे तो वो अमाउंट आ जाएगा जो बाहर से लेके आने वाला है, करेक्ट। तो नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड सेकंड वाले पार्ट में हम देख रहे हैं, लॉजिकली आप समझ चुके हो, राइट, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, कैसे आएगा ये नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, कि आपका जो इन्वेस्टमेंट का बजट है, आपका जो भी इन्वेस्टमेंट आप करने वाले हो उसमें से रिटेन अर्निंग लेस कर दो, उसमें से आपका जो नेट प्रॉफिट है जो आने वाला है उसको लेस कर दो, लेकिन नेट प्रॉफिट में से भी अगर कभी डिविडेंड लेस करना है तो पहले उसको हटा दो और बचा हुआ पोर्शन ही आप लेस करो, डिवाइडेड बाय प्राइस पर शेयर। क्या लॉजिकली ये फॉर्मूला क्लियर है आपको, राइट। अब इसको अप्लाई कर लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट बजट था हमारा 500 लाख, माइनस 180 हमारे पास इंटरनली था, लेकिन उसमें से डिविडेंड भी बांटना था, डिविडेंड कितना बांटना था, 8 रुपए पर शेयर। अब हम क्योंकि पूरे अमाउंट टर्म में बात कर रहे हैं तो 8 रुपए पर शेयर के हिसाब से 10 लाख शेयर है, तो ये 10 लाख शेयर का यूज अब आया, राइट, इट इज कमिंग 80 लैक्स, राइट, डिवाइडेड बाय व्हेन डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड तो प्राइस 160 है, 168 मत लेना, क्योंकि 168 कब है जब डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर, तो वो सेकंड में काम आएगी, सेकंड वाले में जब आप निकालने जाओगे तो वो आएगा 500 माइनस 180 पूरा, डिविडेंड जीरो, राइट, 180 पूरा यूटिलाइज हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 168, तो ये आपके नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड आ जाएंगे, ये आपके निकालो 500 माइनस 100 मतलब 400 डिवाइडेड बाय 160, तो इट्स कमिंग 2.5 लैक्स, 2,50,000 नंबर ऑफ शेयर्स, और ये आएगा 500 माइनस 180 320 डिवाइड बाय 168, तो 1.90, तो 1,90,476, 1,90,476 ये नंबर्स है, करेक्ट। इसके बाद में एक तरीका और बता रहा हूं कि कभी कभी एग्जामिनर आपसे यह भी पूछ लेता है, राइट, इस क्वेश्चन में नहीं पूछा लेकिन कभी कभी पूछ लेता है कि आप मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करो, राइट, मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करो इन बोथ द सिचुएशन, कि दोनों सिचुएशन में आप मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करो, कि व्हेन डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, व्हेन डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड, तो मैं अब वो बता रहा हूं और वो दोनों ही केस में सेम आती है, मार्केट वैल्यू जब आप निकालने जाओगे तो मार्केट वैल्यू कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस, अब नंबर ऑफ शेयर्स पुराने भी हैं नए भी हैं, getting my point, तो old number of shares, मैं दोनों situation में बता रहा हूं, when dividend is declared, when no dividend is declared, dividend है तब क्या होगा, dividend नहीं है तब क्या होगा, तो when dividend is declared, price आपके old number of shares कितने थे, old number of shares थे 10 लाख, not declared के केस में भी old तो उतने ही रहेंगे, ठीक है, न्यू नंबर ऑफ शेयर्स कितने, बोले न्यू नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे 2.5 लाख हमने इशू किया, राइट, अभी निकाला ना 2.5 लाख, और यहाँ पे हमने इशू किए 1,90,476, राइट, तो टोटल यहाँ हो गया 12,50,000 और यहाँ हो गया 11,90,476, राइट, पॉइंट में भी और कुछ है, राइट, वो पॉइंट में लेंगे तो एग्जैक्ट हमारा आंसर आएगा, इसको एट द रेट, इसको मल्टीप्लाई मैं मार्केट प्राइस करूं, इसको एमपीएस से मल्टीप्लाई कर दूं तो मार्केट वैल्यू आ जाएगी, यहाँ का एमपीएस है 160 और यहाँ का एमपीएस है 168, राइट, 12,50,000 इंटू 160 करो, 12,50,000 इंटू 160, तो इट्स कमिंग 2 करोड़, देख लो एक बार,
20 करोड़, इट्स कमिंग 20 करोड़। ट्वेंटी सिया करेक्ट। अब उस वाले केस में हम करते हैं कितना, 1190 476 इंटू 168, 1190 476 मल्टीप्लाई 168, तो ये भी उतना ही आ रहा है। बस ये फ्रैक्शन में डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि पॉइंट के बाद भी फिगर्स थे, वो ले नहीं पाए हम, डेट्स व्हाई। अदरवाइज ये भी 20 करोड़ ही आ रहा है, मतलब ये दोनों वैल्यूज सेम आएगी। तो मनोदी ग्लानी एंड मिलर बोलता भी यही है कि डिविडेंड की वजह से मार्केट प्राइस में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, डिविडेंड डिक्लेयर करो या ना करो मार्केट वैल्यू सेम होगी। मार्केट प्राइस में तो इंपैक्ट आएगा, मार्केट वैल्यू विल बी सेम, राइट। ये वैल्यू वो प्रूव करके दिखा रहे हैं कि ये दोनों सेम है, दैट्स व्हाई इसको इररिलेवेंस थ्योरी भी बोलते हैं, मोदी ग्लानी एंड मिलर को। इररिलेवेंस मतलब मार्केट प्राइस पर कोई इंपैक्ट डाल नहीं रहा है, मार्केट वैल्यू पे, सॉरी मार्केट प्राइस पे इंपैक्ट डालेगा, वैल्यू पे इंपैक्ट नहीं डालेगा। नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा है तो प्राइस कम है, नंबर ऑफ शेयर्स कम है तो प्राइस ज्यादा है, अल्टीमेट नलीफाई इंपैक्ट हो रहा है। जस्ट ए मिनट, ये हमारी स्क्रीन कहाँ गई, स्क्रीन निकालते हैं वापस। जस्ट ए मिनट, मैं चेक करता हूं कि स्क्रीन को क्या हो गया। आ गए ठीक साहब। तो ये मोदी ग्लानी एंड मिलर के सारे क्वेश्चंस इसी टाइप से होने। अब हम जाते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ, हमारे वो है गोर्डन्स मॉडल। गोर्डन्स मॉडल, गोर्डन्स मॉडल का फॉर्मूला क्या है, पी जीरो के एंगल से, पी जीरो इज इक्वल टू डी वन अपॉन के ई माइनस जी। अब सवाल ये कि इस मॉडल की कुछ अजम्पशंस है, वो अजम्पशंस क्या है आपको ऑटोमेटिक समझ आएगा। अजम्पशंस ये है कि के ई और ग्रोथ इनफाइनाइट ईयर्स तक के लिए कॉन्स्टेंट होगी। पहले तो ये सवाल है सर इनफाइनाइट ईयर्स कहां से आया, ये क्लिक नहीं हुआ, मैं बता देता हूं आपको। ये फॉर्मूले का जो बेसिस है वो क्या है, ये फॉर्मूला आपको क्या लाके देता है, राइट। इस फॉर्मूले का बैकग्राउंड क्रिएट करने के लिए एक हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी के फॉर्मूले में जाते हैं, याद है क्या, टीवीएम हमने पढ़ा है। तो एक प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी का फॉर्मूला था ए अपॉन आर, याद आ रहा है क्या, इनफाइनाइट ईयर्स तक अगर एक सेम कैश फ्लो मिलता हुआ जाए तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकलती है ए अपॉन आर। उसके बाद हमने एक प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोइंग परपेचुटी भी पढ़ा था, याद होगा आपको, ए अपॉन आर माइनस जी पढ़ा था क्या, ए अपॉन आर माइनस जी, मतलब ए मतलब पहले साल का अमाउंट, यहाँ पे तो हर साल का अलग अलग होगा, तो पहले साल का अमाउंट अपॉन आर अपॉन आर माइनस जी कर दें, तो इनफाइनाइट ईयर्स तक एक स्पेसिफिक ग्रोथ रेट के साथ अगर कोई कैश फ्लो है तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू का टोटल ये फॉर्मूला निकाल के दे देता है। क्या ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सिमिलर दिख रहा है क्या, ए अपॉन आर माइनस जी, आर इज रिप्रेजेंटिंग के ई और ए की जगह हमने ले लिया डी वन, पहले साल का अमाउंट, पहले साल का डिविडेंड। तो ये फॉर्मूला और कुछ लाके नहीं दे रहा है, ये फॉर्मूला आपको इनफाइनाइट ईयर्स के डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू लाके दे रहा है, राइट। और यहां होता है इसकी सोच यही रही है कि किसी भी शेयर की प्राइस और कुछ नहीं होती, किसी भी शेयर की प्राइस ये होती है कि आपके पास जो आज है उससे आपको आने वाले टाइम पे जो एंटाइटलमेंट मिलेगा, आने वाले टाइम पे जो डिविडेंड का राइट मिलेगा, ऑब्वियसली इंफाइनाइट ईयर्स तक मिलेगा, उन सबकी प्रेजेंट वैल्यू को अगर आज खींच के ले आए तो ये एक शेयर की फेयर मार्केट प्राइस होनी चाहिए, राइट। उस करंट शेयर की फेयर मार्केट प्राइस क्या होगी कि आने वाले टाइम पे इस शेयर होल्डर से जितना मिलने वाला है, इस शेयर से जितना मिलने वाला है उसकी प्रेजेंट वैल्यू का टोटल, करेक्ट। अब इसका एक अजम्पशन है, अजम्पशन क्या है कि केई और जी जो है वो इनफाइनाइट ईयर्स तक कांस्टेंट होना चाहिए। अगर ये इनफाइनाइट ईयर्स तक कांस्टेंट नहीं हुआ, जी पहले साल था 10%, दूसरे साल था 20%, तीसरे साल था 30%, अगले साल था 10, हर साल चेंज हो रहा है, तो फिर ये फॉर्मूला फेल हो जाएगा, ये फॉर्मूला नहीं लग सकता।
तो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल वाले जो फॉर्मूले हमारे इस चैप्टर में आते हैं, जो कंसेप्ट इस चैप्टर में आते हैं, वो क्या आते हैं कि 2-4 सालों तक ग्रोथ रेट अलग अलग देते हैं और उसके बाद इन्फाइनाइट ईयर्स तक कांस्टेंट देते हैं। तो फिर 2-4 सालों तक फॉर्मूला नहीं लग सकता, जब से इन्फाइनाइट ईयर्स तक कांस्टेंट आता है फॉर्मूला उसी टाइम लगेगा। यानी कि पी जीरो इज इक्वल टू डी वन अपॉन के ई माइनस जी। अगर हमें पी वन का फॉर्मूला चाहिए, पी वन का फॉर्मूला होगा डी टू अपॉन के ई माइनस जी। अगर मुझे पी टू का फॉर्मूला चाहिए तो डी थ्री पे बेस्ड होगा ये, डी थ्री अपॉन के ई माइनस जी। अगर मुझे पी थ्री का फॉर्मूला चाहिए तो ये होगा डी फोर अपॉन के ई माइनस जी, और ऐसा चलता रहेगा। मतलब जब भी मुझे जो प्राइस चाहिए वो उसके एक एक बाद वाले डिविडेंड पे बेस्ड होगी, करेक्ट। तो पी जीरो चाहिए तो वो डी वन पे बेस्ड होगा, लेकिन ये फॉर्मूला लगा ही नहीं सकता अगर ग्रोथ रेट यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। तो मुझे तब तक का इंतजार करना होगा जब तक कि ग्रोथ रेट कांस्टेंट ना हो। पता चला कि डी फोर में जाके ग्रोथ रेट कांस्टेंट हुई तो मैं डी फोर से पी थ्री निकाल पाऊंगा और फिर पी थ्री को पी जीरो पे लेके आऊंगा। प्राइस तो मुझे जीरो ईयर की निकालनी है, अल्टीमेट मुझे सारे डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू का टोटल चाहिए, श्योर। तो ये कंसेप्ट हम करते हैं एक क्वेश्चन के साथ, ताकि और ज्यादा क्लैरिटी के साथ हम समझ पाए। वो है क्वेश्चन नंबर 5 को पूरा पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं, राइट। अ लार्ज साइज केमिकल कंपनी हैज बीन एक्सपेक्टेड टू ग्रो 14% फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर्स। 4 सालों तक 14% से ग्रो होती है, देन टू ग्रो इनफाइनाइटली, मतलब उसके बाद ग्रोथ रेट कांस्टेंट हो रही। वो ऐसा भी लग सकते थे 4 सालों तक कि पहले साल 14%, दूसरे साल 12%, तीसरे साल इतना अलग अलग देते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, राइट। अल्टीमेटली हमें ये देखना है कि ग्रोथ रेट कांस्टेंट कब हो रही है। कांस्टेंट हो रही है 4 साल के बाद, मतलब फॉर्मूला 4 साल के बाद ही अप्लाई हो पाएगा, 4 साल के पहले फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो पाएगा। लेकिन लाना तो सबको जीरो पे, वो हम देखेंगे, राइट। लाना तो सबको जीरो पे, तो वो हम टेबल बना के सॉल्व करेंगे, ठीक। इन्फाइनाइट ईयर्स तक बाद में ग्रोथ रेट कितनी आ गई, 5%। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न यानी कि ये के ई है, 12%। अज्यूम डेट द कंपनी पेड अ डिविडेंड ऑफ 2 पर शेयर। लास्ट ईयर डिविडेंड जो था वो 2 था, राइट। लास्ट ईयर डिविडेंड 2 था, हमें तो डी 1 चाहिए। डिटरमाइन द मार्केट प्राइस पर शेयर टूडे, आज की मार्केट प्राइस। पी जीरो चाहिए, तो पी जीरो का कंसेप्ट जो होता है वो क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 5। पी जीरो का कंसेप्ट होता है कि इन्फाइनाइट ईयर्स के डिविडेंड की टेबल बनाओ। अब वो तो पॉसिबल नहीं है कि इन्फाइनाइट ईयर्स का जो भी डिविडेंड है उसको प्रेजेंट वैल्यू पे ले आओ। तो इनफाइनाइट ईयर्स के डिविडेंड को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, उसकी प्रेजेंट वैल्यू आएगी, उस प्रेजेंट वैल्यू का टोटल कर दो, ठीक है। तो यहां मैं ईयर बनाता हूं, यहां मैं डिविडेंड या कैश फ्लो लिख देता हूं। कैश फ्लो आप डिविडेंड भी आ जाएगा, प्राइस भी आ जाएगी, सब आ जाएंगे। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा एट द रेट शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन, एट द रेट 12%, तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। अब एक तरीका तो ये है कि मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे इनफाइनाइट ईयर्स की टेबल बनाऊं डिविडेंड की। यहाँ डिविडेंड लिख दो इन्फाइनाइट ईयर्स का, उसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूँ, जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी उसका टोटल कर दो। बोले सर कि ये कोई पॉसिबल है क्या, इन्फाइनाइट ईयर्स की कोई टेबल बना सकता है क्या? बना तो नहीं सकते, लेकिन अगर बनाता हूँ तो ये आंसर ठीक है। लेकिन मेरे पास एक फॉर्मूला है जो इन्फाइनाइट ईयर्स को खींच के ला सकता है प्रेजेंट पे, लेकिन वो फॉर्मूला फर्स्ट ईयर पे लग नहीं रहा, सेकेंड ईयर पे लग नहीं रहा, थर्ड ईयर पे लग नहीं रहा, फोर्थ ईयर पे लग नहीं रहा। कोई बात नहीं, 4 साल की टेबल बना दो, 1, 2, 3 और 4। 4 साल के बाद फॉर्मूला लग रहा है ना, तो 4 साल के बाद जो फॉर्मूला लग रहा है वो फॉर्मूले से 4 साल तक की तो वैल्यू निकाल लो, उसको फिर जीरो पे अलग से ले आना। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पे मैं लिखूंगा D1, D2, D3, D4। D4 तक मेरा ग्रोथ रेट 14% है, D5 से मेरा ग्रोथ रेट चेंज हो गया। तो D5 पे जब मैं फॉर्मूला लगाने जाऊंगा तो D5 पे फॉर्मूला लगा के निकलेगा क्या? D5 पे जब फॉर्मूला लगाऊंगा तो P4 निकलेगा, तो D5 अपॉन के ई माइनस जी। गेटिंग माई पॉइंट? ये से जो निकालूंगा तो वो चौथे साल पे सब इकट्ठे हो जाएंगे, चौथे साल पे सब इकट्ठे हो जाएंगे, तो मैं यहाँ पे डी फोर में ही क्या कर दूंगा, पी फोर जोड़ दूंगा। चाहूँ तो एक और कर सकता हूँ कि 4 साल की टेबल 2 बार बनाऊँ, जिसमें एक में डी फोर लिखूँ, एक में पी फोर लिखूँ, बात एक ही है, दोनों अल्टीमेटली चौथे साल के फैक्टर से मल्टीप्लाई होंगे। चॉइसिस यूअर्स, आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। अब सवाल है D1 कितना, 2 रुपये का लास्ट ईयर का डिविडेंड था, तो 2 में प्लस 14% कर दूंगा तो 2.28 मेरा D1 आ जाएगा, 2.28, करेक्ट। फिर 2.28 में फिर 14% जोड़ूंगा, 2.28 प्लस 14% तो ये आएगा 2.60, राइट। 2 डिजिट ले रहा हूँ, 2.60। फिर इसमें 14% जोड़ दूंगा मैं, प्लस 14%, ये आएगा 2.96।
फिर D4 में 14% जोड़ूंगा तो ये आएगा 3.38, 3.38 प्लस P4 के लिए मुझे D5 चाहिए। अब D5 कैसे निकालूंगा कि D4 जो मेरा था उसमें ग्रोथ रेट अब 5% हो गई तो मैं प्लस 5% करूंगा तो 3.55 आएगा, राइट 3.55। तो इस पे बेस्ड हो जाएगा मेरा ये 3.55 डिवाइडेड बाय 0.12 माइनस 0.05, राइट। तो ये इस पे फॉर्मूला जब लगाऊंगा तो डिवाइड बाय 0.07 कर दूंगा, इसको डिवाइड बाय 0.07 कर दिया मैंने, राइट। तो इट्स कमिंग 50.67, राइट। मैंने पूरे डिजिट लिए तो हो सकता है थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है, राइट, कि इससे आप जब सॉल्व करो और मैंने पूरे डिजिट कैलकुलेटर वाले ले लिया तो स्लाइट फर्क आ सकता है, 50.66 या 65 ऐसा कुछ आया, 50.67 आया, राइट। इस 50.67 को मैं कहाँ लिख दूंगा, इस 50.67 को मैं यहाँ लिख दूंगा, करेक्ट। अब मुझे मेरा काम बस इतना बचा कि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट 12% पे मल्टीप्लाई कर दूं, प्रेजेंट वैल्यू आए उसका टोटल जो आएगा उसको मैं P0 दूंगा, करेक्ट। चलो तो टोटल कर 2.28, राइट, मल्टीप्लाई पहले 12% की फैक्टर निकाल लेते हैं, 1 डिवाइड बाय 1.12 इक्वल टू 0.8929, फिर और इक्वल टू करते हैं 0.7972, फिर इक्वल टू करो 0.7118, राउंडेड ऑफ 0.7118, फिर एक बार और इक्वल टू लास्ट 0.6355, इन दोनों को प्लस करने के बाद मल्टीप्लाई होगा। तो नाउ डू इट, और ये करने के बाद जो ये आएगा ये आपका फाइनल आंसर होगा, इट्स योर फाइनल आंसर, चेक कर लेते हैं हम। चलो 2.28 मल्टीप्लाई 0.8929, राइट, मेमोरी प्लस, ठीक है। अगला 2.6 इंटू 0.7972 मेमोरी प्लस, फिर अगला 2.96 मल्टीप्लाई 0.7198 2.96 मल्टीप्लाई 0.711। अब केवल प्रोसीजरल पार्ट बचा है, अब मेरे पार्ट पे समझाने लायक कुछ भी नहीं बचा। और अगला है 3.38 प्लस 50.67, 3.38 प्लस 50.67 मल्टीप्लाई 0.6355 मेमोरी प्लस, मेमोरी रिकॉल किया तो इट्स कमिंग 42.07 इज योर आंसर। क्रॉस चेक कर लेना यार कहीं कोई मिस्टेक ना रह गई हो। 2.58 प्लस 14% तो 2.2 8 प्लस 14% 2.60 प्लस 14% 2.96 प्लस 14% 3.38 प्लस 14% 3.8 नहीं प्लस 5% 3.54 डिवाइडेड बाय 0.07 ये 50.67 बराबर आ रहा है, राइट। ये सारी वैल्यूज आ गई, इन सारी वैल्यूज को हमने 12% से डिस्काउंट कर दिया, ठीक है साहब। तो ये हमारा डिविडेंड पॉलिसी का एक चैप्टर था जिसमें कंसेप्ट्स में अगर बात करें तो टोटल 5 कंसेप्ट्स हैं, वोल्टास मॉडल, मोदिग्लियानियन मिलर मॉडल, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, ग्राहम एंड डोड मॉडल और लिंटनस मॉडल, राइट। ये 5 मॉडल्स यहाँ पे हैं। एक टाइप का क्वेश्चन और बनता है जिसकी प्रैक्टिस आप नॉर्मल वे में कर सकते हो, उसमें मुझे नहीं लगता मेरी टेक्निकलिटी की जरूरत है, कि आपको ईपीएस की टेबल दी होगी और डीपीएस आपको निकालना होगा पॉलिसी वाइज क्वेश्चंस, राइट, कि एक ईपीएस दे दिया और डिविडेंड की कोई पॉलिसी दे दी जिससे आपको हर साल का अलग अलग डिविडेंड निकालना होगा, राइट। वो अलग अलग लैंग्वेज दे सकता है, उसका कोई एक पैटर्न नहीं क्वेश्चन वैसा दे सकता, बहुत टाइम से उस टाइम का पैटर्न का क्वेश्चन भी नहीं आया, ठीक है। तो अभी घर जाके दो दो टाइप के सारे क्वेश्चंस, राइट,
या लेक्चर बंद होने के बाद भी दो दो टाइप के सारे क्वेश्चंस आप कर लेना, ताकि एक प्रैक्टिस हो जाए, राइट। ये डिविडेंड ग्रोथ मॉडल के स्पेशली दो क्वेश्चन इसके तो करना ही करना, राइट, ताकि एक प्रैक्टिस हो जाए। डाउट अगर उसके बाद भी रिजॉल्व नहीं होता है, डाउट रहता है, तो बिंदास होकर आप मुझे टेलीग्राम या फोन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का ये लेक्चर हम यहीं रोक रहे हैं। आज का ये लेक्चर भी हमने अराउंड अराउंड एक घंटे के अंदर अंदर समराइज किया है, राइट, कंसिडरिंग ऑल द कंसेप्ट, राइट, कंटेनिंग ऑल द कंसेप्ट, कंसेप्ट स्किप नहीं किया, राइट, और सारे क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की है। टारगेट अभी यही है कि कम से कम टाइम में आपके सारे कंसेप्ट रिवाइज हो जाए विथ ऑल द क्वेश्चंस ऑफ कवरिंग वन वन कंसेप्ट, सारे एक एक कंसेप्ट कवर होके सारे क्वेश्चंस हो जाए। तो आज का भी एक घंटे में हो गया, तो आपका कम से कम आधा घंटा बचाया है। जो डेढ़ डेढ़ घंटे के टारगेट वाले टॉपिक है वो एक एक घंटे में कवर हो रहे हैं, अच्छा है। एग्जाम टाइम पर जितना टाइम बचे वो कहीं ना कहीं आपके एफर्ट्स में कहीं ना कहीं थोड़ी सी धार बनाएंगे, कहीं ना कहीं आपका ये टाइम आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाने में काम लेना ज़्यादा ठीक होगा। श्योर, तो लेक्चर आज का यहीं रोक रहे हैं। टिल डेट, बाय बाय।